आज हम बात करते हैं मास्टर मेथड की। मास्टर मेथड इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशंस, लाइक आइट्रेशन मेथड है, रिकर्सन ट्री मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन आइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन और रिकर्सन ट्री के केस में मुझे अगर कोई भी रिकरेंस रिलेशन गिवन होता था तो मुझे उसको पूरा डिराइव करना पड़ता था, पूरा उस रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करना पड़ता था। बट मास्टर मेथड क्या कहता है कि अगर कोई भी रिकरेंस रिलेशन इस मास्टर मेथड के फॉर्मेट में है, अगर उसको इस तरह से वो रिप्रेजेंटेड है, इस फॉर्मेट में वो रिप्रेजेंटेड है, तो आप उसका, आपको वो पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। बाय चेकिंग सम ऑफ द कंडीशंस आप उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड करवा सकते हैं, डायरेक्टली आप उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ मास्टर मेथड। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मास्टर मेथड हर जगह अप्लाई हो सकता है। मास्टर मेथड हम केवल वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां मेरे पास रिकरेंस रिलेशन कुछ इस तरह के सिनेरियो में होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं जरा मास्टर मेथड का, कि इफ इन केस टी एन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टी एन बाई बी। यहां पर a कुछ एक कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 1 है, b ग्रेटर देन 1 है, ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम डिवाइड हो रही है, n डिवाइड बाय p। प्रॉब्लम का साइज n रहा होगा पहले ओरिजिनल केस में, यहां पर n था, अब वो b से डिवाइड हो रहा है साइज, प्लस में थीटा ऑफ n रेस टू द पावर k log ऑफ n रेस टू द पावर p। यहां पर n रेस पावर k है जिसकी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p इज सम रियल नंबर। यहां पर इस log pn में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यहां पर हम देखो एक्चुअली में हम log p log n की पावर p कैन बी रिटन एज log ऑफ pn, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ओके, सो इस जस्ट मेक इट क्लियर। अब जरा हम देखते हैं कि हमें इन कंडीशन से, इस फॉर्मेट से हम a b k और p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में गिवन है, हम चारों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन से केस, देयर आर 3 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में a इज ग्रेटर देन b रेज़ टू द पावर k है, देन tn इज दिस वन थीटा ऑफ n raised to the power log a base b। Similarly, अगर a b के इक्वल है, b raised to the power k के इक्वल है, उस केस में अगेन आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या p greater than minus 1 है, if क्या p minus 1 है, क्या p less than minus 1 है, और अगर a less than b raised to the power k है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये दो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अब जरा इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिकरेंस इस मास्टर मेथड के। ठीक है, सो मास्टर मेथड में लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल सेज दिस वन। सो अगर मैं इस इक्वेशन को, इसको इससे कंपेयर करूं, तो मैं यहां से क्या क्या फाइंड आउट कर सकता हूं। सो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा मेरा b, और n रेस पावर k बन जाएगा यहां पर। सो मुझे a कितना मिलेगा, a विल बी 9, b कितना हो जाएगा, b विल बी 3, k कितना हो जाएगा, n रेस पावर k इज 1, n पावर इज 1 इज हियर, सो k इज 1 हियर, p there is nothing as p, so anything raised to the power 0 is always 1, so क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि log n की power 0 है यहाँ पर, so p is 0 here। ठीक है, अब जरा आप कंपेयर करें a b raised to the power k को, a कितना है 9, b कितना है 3, k कितना है 1, is it greater than this one, yes this one, this condition is true, this is true, this is true। ठीक है, सो कौन सा केस रहा, व्हेन a इज ग्रेटर देन b रेज़ टू द पावर k, देन केस 1 इज ट्रू, केस 1, सो केस 1 विल बी अप्लाइड, केस फर्स्ट या सिनेरियो फर्स्ट। सिनेरियो फर्स्ट में tn आपका क्या हो जाएगा, सो tn विल बिकम, इट विल बी थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर log ba, इसकी वैल्यूज पुट कर दें आप, थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर log ऑफ b कितना है 3, a कितना है 9, सो 3 9। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर log 3, 9 कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 2। सो अगर इस तरह का सिनेरियो है, सो हमें लॉग्स में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज से हम क्या कर सकते हैं, दिस 2 विल कम हियर, सो दिस कैन बी रिटन एज थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर, n रेज़ टू द पावर 2 log ऑफ 3 3। सब हमारे पास बेस और इज एन वैल्यू सेम होती है, दिस टर्म विल बिकम 1, सो दिस विल बिकम थीटा ऑफ n की पावर 2, क्योंकि ये यूनिट क्या बन जाएगी 1, सो tn इन दिस केस, इन दिस केस tn विल बिकम, tn विल बिकम थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर केस एग्जांपल फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल में फिर से हम इस सिनेरियो को इससे कंपेयर करते हैं, यहां पर a कितना आ जाएगा, a will become this one, a will, b will be this one, k कहीं यहां होगा जो कि 1 होगा, और similarly p इस log की power होगी, that is here as 1 only, so जब हम इसको compare करेंगे, we will be finding out as a equal to 3, b equal to 4,
k इक्वल टू n रेज द पावर 1 है, सो k 1 हो जाएगा, p भी हमारे पास 1 है, सो p इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कंपेयर करेंगे, a b रेज टू द पावर k, ठीक है, a कितना आपका यहां पर, a है 3, b रेज टू द पावर 4, k 1, सो इज इट ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज लेसर देन दिस वन, दिस इज लेसर देन दिस वन, तो कौन सा केस अप्लाई होगा, केस 3, केस 3, केस 3, केस 3 में भी कौन सा, अगेन आपको ए और बी देखना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इज 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो केस 3 ए विल बी अप्लाइड, केस 3 ए में आपका tn क्या बन जाता है, tn विल बिकम थीटा ऑफ n लेस टू द पावर k log की पावर pn, सो दिस विल बिकम थीटा ऑफ n की पावर k, k इज 1, सो नो नीड टू राइट 1, then log p is again 1, no need to write, so this one is this one, so this is the solution for this example, for this example, this is n log n, ठीक है, next example देख लेते हैं, this one is as, इसको हम उसी इसी format से compare करेंगे, so a क्या बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, ये वाला 2 बन जाएगा, k क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और resolve कर सकते हैं, क्या हम इस problem को ऐसे लिख सकते हैं, this tn can be written as, अभी जरा इसको नहीं देखते हैं, 2tn by 2 plus में n, क्या हम इसको log n की पावर minus 1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, we can write it as log minus 1 n, this minus 1 as here, ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को हम उससे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a will be 2, this one, b कितना हो जाएगा, again 2, this one, k कितना हो जाएगा, यहाँ पर n की पावर, that is 1, p कितना हो जाएगा, minus 1, ठीक है, अब again देख ले जरा, आपको केस मैच करना है, आप क्या करेंगे, a, b raised to the power k देखना, a कितना है, 2, b कितना है, 2, k कितना है, 1, so a is equal to b raised to the power k, if this is the scenario, that means कौन सा केस अप्लाई होगा, कौन सा केस अप्लाई होगा, अगर इक्वल टू है सो सेकंड केस, सेकंड में भी आप बी कंपेयर करेंगे, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सो सेकंड के सेकंड का भी बी केस, सो केस टू बी विल बी अप्लाइड ऑफ मास्टर मेथड, केस टू बी क्या कहता है, योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम थीटा ऑफ एन, टी ऑफ एन विल बिकम थीटा ऑफ एन रेज टू द पावर लॉग ऑफ ए एज बेस बी एंड देन दिस इज लॉग ऑफ लॉग एन, लॉग ऑफ लॉग एन, इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सो दिस इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक थीटा ऑफ एन रेज टू द पावर लॉग ऑफ बी कितना है 2, ए कितना है 2, सो दिस इज 2 बेस 2, 2 बेस 2, ठीक है, एंड देन लॉग ऑफ लॉग एन, देन लॉग ऑफ लॉग एन, लॉग ऑफ लॉग एन, ठीक है, सो अब जब हम इसको सॉल्व रिजॉल्व करेंगे दिस टर्म विल बिकम 1, लॉग 2 इज 1, सो दिस इज थीटा ऑफ n, this is one itself, n dot log of log n, log of log n, so here the solution will become tn will become this one, tn will become this one, चलिए जरा next case देख लेते हैं, यहां पर this scenario, ठीक है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, so next example need to look like, ठीक है, यहां पर इस सिनेरियो को अगर मैं इससे मैच करूं सो इस पहले इसको थोड़ा सा रिजोल्व कर लेते हैं, दिस टर्म कैन बी रिटन एज टी एन इक्वल टू 3 टी एन बाई 3 एज इट इज प्लस में क्या मैं इस एन को एन की पावर हाफ लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट इट, ओके, अब मैं इसको इसको इससे कंपेयर करता हूं, सो ए विल बिकम 3, बी विल बिकम 3, ये ए है ये बी है, k will be 1 by 2 क्योंकि n की पावर एंड देन p इक्वल टू 0 बिकॉज एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, सो आपको a और b रेस्ट टू द पावर k को कंपेयर करना है, आप क्या कंपेयर करेंगे, a इज 3, b इज 3, 3 रेस्ट टू द पावर k दैट इज 1 by 2 दैट मींस 3 root 3, व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, सो दिस वन इज ग्रेटर, सो क्यों, क्योंकि यार 3 इज 3 एंड root 3 इज समथिंग लाइक आई कैन से 1.3 और लाइक समथिंग, ठीक है, सो इट विल लेस देन 3, so that's why this is greater than this one, so case first will be applied, case first will be applied, then tn will become theta of
n raised to the power log of ba, or this can be written as theta of n raised to the power log kitna hai, b and a both are 3, so 3 will become 1, this complete unit will become 1, so this will be of theta of n only. Okay, so here this tn will become theta of n only. ठीक, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मास्टर मेथड में हमें पूरा ड्राइव करने की नीड नहीं है, लाइक रिग्रेशन ट्री एंड आइट्रेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहां पर मैं बाय चेकिंग सम ऑफ द कंडीशंस आई कैन डायरेक्टली प्रोवाइड द सॉल्यूशन. ठीक है, बट इज इट ट्रू इन एवरी ऑफ द केस? क्या मैं मास्टर मेथड को सभी जगह अप्लाई कर सकता हूं? नहीं. अगर मेरा फॉर्मेट इस तरह का है, देन वी कैन गो फॉर द मास्टर मेथड. इन अदर सिनेरियो देयर इज वन मोर सिनेरियो वी विल बी डिस्कसिंग जहां हम मास्टर मेथड लगा सकते हैं. बाकी सभी केसों में इसको हम नहीं लगा सकते. देयर कैन बी सम ऑफ द सिनेरियोस जहां पर हम इस मास्टर मेथड को नहीं लगा सकते. लेट्स से मुझे कोई कह देता है दैट tn इक्वल टू, लेट्स से दिस इज 1/4, दिस इज t ऑफ n / 2 प्लस में n. क्या इसमें मैं मास्टर मेथड लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये है 1/4, a should be greater than or equal to 1. a क्या है? Less than 1. 1/4 is 2.25. So this is not true. So यहाँ पर मैं master method नहीं apply कर सकता इस तरह के scenarios में. या फिर मुझे कोई भी एक equation given है, let's say tn equal to this is 2tn/2 - n. क्या मैं इसमें master method लगा सकता हूँ? नहीं. Because this function should be positive function. यहाँ पर क्या है? Positive function है, but यहाँ पर क्या है? Negative function है. So that's why master method cannot be applied in such of the scenarios. यहाँ देखते हैं जरा इस example में, क्या हम यह master method apply कर सकते हैं? नहीं. यहाँ पर ये master method हम apply नहीं कर सकते. यहाँ पर जरा इस ये जो master method हम अभी apply कर रहे थे, इसमें जरा आप observe करने की कोशिश करें कि problem का size initially n था. नेक्स्ट टाइम एन बाई बी मीन्स उसको किसी से डिवाइड किया गया. उन्होंने कहा है बी इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कोई एक टर्म होगी जिसे डिवाइड किया गया होगा. दैट मीन्स मेरी प्रॉब्लम का साइज रिड्यूस किया गया है बाई डिवाइडिंग द साइज ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, सो ये जो मास्टर मेथड है, दिस इज फॉर द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, जहां पर प्रॉब्लम का साइज को डिवाइड किया जा रहा है. तो दिस मास्टर मेथड, दिस फॉर्मेट इज फॉर द मास्टर मेथड एज फॉर द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच. इन सच ऑफ द सिनेरियोस दिस इज ए सब्ट्रैक्शन एंड कंकर अप्रोच. This recurrence relation is for the subtraction and concur approach. In that scenario, there is also we can have a master method can be applied, but उसके केस में master method की ये conditions, ये scenarios थोड़े से change हो जाएंगे. ठीक है, उसको हम discuss करते हैं next video में. Well, उसके बाद so here this master method cannot be applied because this one is for the divide and concur approach. Well, इस केस में क्या हम master method लगा सकते हैं? Again, here master method cannot be applied. क्योंकि आप इसको लिखेंगे भी तो क्या लिख सकते हैं? tn equal to t n raised to the power half plus में 1. So यहाँ पर क्या प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया? या फिर प्रॉब्लम के साइज को मेरे को क्या क्या किया गया? क्या इसको सब्ट्रैक्ट किया गया? नहीं. So in such scenarios actually इसको ये recurrence relation solve हो सकता है, बट यहाँ पर हम मास्टर मेथड नहीं लगा सकते हैं. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इस रिकरेंस रिलेशन को किसी एक ऐसे फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा जहां मैं रिकरेंस रिलेशन लगा सकूं. उसके लिए एक टेक्निक होती है चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक. इसको हम देखेंगे आगे की वीडियोस में. तो जहां अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है जहां पर रूट में कुछ है, यहां पर इसके अंदर देखो, यहां पर फंक्शन में रूट एन है तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया था, देयर इज नो इशू. बट अगर यहां पर इनसाइड साइज ऑफ द प्रॉब्लम बिकम्स रूट एन, so in that scenario change of variable technique will work, जो हम आगे की videos में discuss करेंगे. well, video अगर पसंद आई है तो like करें, subscribe करें और share करें. thank you.